वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फेवरेट आलू चाट की रेसिपी। तो जब आपको हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस तरह से आलू चाट बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो हल्की फुल्की भूख में इस तरह से आलू चाट बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप आलू को बॉयल कर लें और एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, उसकी बारीक कटिंग कर लें। टमाटर की भी बारीक कटिंग कर लें, उसमें से बीज को निकाल दें। और धनिया और हरी मिर्चें लें। और ये चाट खाने में जितनी टेस्टी लगती है, इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें आलू को काट लेंगे। इस तरह से हम आलू को क्यूब्स में काट लेंगे और इसकी बारीक कटिंग करेंगे। तो सारे आलू को हम इसी तरह काट लेंगे। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं और प्याज की हम बारीक कटिंग कर लेंगे। टमाटर को भी हम इसमें डालेंगे, टमाटर की भी हम बारीक कटिंग करेंगे और इसमें से बीज को निकाल देंगे। हरी मिर्ची और धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, जिससे ये चाट बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और नमक ऐड करेंगे। इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे और चाट मसाला डालेंगे। इससे चाट बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनेगी। तो अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर इमली के पेस्ट से जो इस चाट का मज़ा आएगा वो और किसी चीज़ से नहीं होगा। और ये चाट बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी इमली के पेस्ट से। तो इस तरह से आप अच्छी तरह मिक्स करें और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू चाट तैयार हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी टेस्टी चटपटी आलू चाट कैसी बनी है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। तो मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी हमारी आलू चाट तैयार है। तो इस तरह से आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।